हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में से बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब दी चैनल, जिससे मैं कोई भी नया लेटेस्ट वीडियोज अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर योर कमेंट्स। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है द मेडिकल लर्निंग। चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम बेलाडोना से। बेलाडोना का कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। इसकी फैमिली नेम है सोलानाशिया। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेलाडोना ये टू लैटिन वर्ड से बना है, दैट इज़ बेला एंड डोना, विच मीन्स ब्यूटिफुल लेडी। इसे एक्यूट एंड वॉयलेंट कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। इट कॉज टर्मोइल इन ब्रेन। टर्मोइल इन ब्रेन दैट इज डिस्टर्बेंस इन ब्रेन में कॉज करता है। इसके क्लिनिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकली हम बेलाडोना को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसे एब्सेस के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एपोप्लेक्सी, ब्रेन अफेक्शन, बॉयल्स, कार्बंकल, कन्वुलजन, डेलीरियम, कफ, डिसेंट्री, ग्लैंडुलर अफेक्शन, मेस्टुरल डिसऑर्डर, एब्डोमिनल डिसऑर्डर। इसके साथ हम इसे एपिलेप्सी के कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। हेडेक, हार्ट ट्रबल, फीवर, स्किन अफेक्शन, मेनिनजाइटिस, मिसल्स, यूटेराइन अफेक्शन, लंग्स अफेक्शन, मेस्टुरल डिसऑर्डर, वूफिंग कफ, और इसके साथ हम इसे वर्टिगो जैसे कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके स्पेयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो बेलाडोना का चीफ एक्शन सेरिब्रम पे होता है एंड आफ्टर दैट इट रेडिएट्स टू द वेरियस ऑर्गन, दैट इज ब्रेन, इट्स मेम्ब्रेन, सीवीएस, हार्ट, लंग्स, माउथ, थ्रोट, स्किन, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स पे इसके एक्शंस हैं। इसके साथ इसके पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि इसके सारे एक्शंस ब्रेन और उसके मेम्ब्रेन्स पे होते हैं एंड वेरियस ऑर्गन्स पे होते हैं, तो इट कॉज द स्टेट ऑफ कंजेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, डेलीरियम, इल्यूजन, डेल्यूजन एंड मैनिया जैसे कंडीशंस हो सकते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो फिजिकली बेलाडोना के पेशेंट दिखने में कैसे होते हैं, तो सबसे पहले फिजिकली दे आर बिलियस प्लेथोरिक पर्सन विथ रेड फेस, इन्फ्लेमेटरी स्टेट विथ थ्रॉम्बिंग पेन एंड रेडनेस, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है विथ फाइन कॉम्प्लेक्शन एंड डेलिकेट स्किन के होते हैं बेलाडोना के पेशेंट। इसके टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो बेलाडोना के टेम्परामेंट में बिलियस, लिम्फेटिक एंड नर्वस टेम्परामेंट होता है। इसके साथ रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो दे आर जनरली चिली पेशेंट। माइजम में सोरा इज द बैकग्राउंड माइजम। डायथेसिस में ट्यूबरकुलर डायथेसिस होता है बेलाडोना पेशेंट का। इसके साथ हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो बेलाडोना इट इज़ राइट साइडेड रेमेडी। सारे सिम्टम्स राइट से स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट की तरफ कन्वर्ट होते हैं। कंजेशन इज द की नोट ऑफ बेलाडोना। एक्यूट, सडन एंड वॉयलेंट ऑनसेट होता है बेलाडोना पेशेंट का। इट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। इसके साथ हम इस नेक्स्ट सिम्टम्स देखें बेलाडोना के, तो दैट इज रेडनेस ऑफ द बेलाडोना इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। हीट इज गेट अनदर पेक्युलरिटी। बर्निंग सेंसेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलाडोना। आपको जनरली सारे इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स मिलेंगे बेलाडोना के पेशेंट में। सेंसिटिवनेस टू टच ऑफ द अफेक्टेड पार्ट इज वेरी वेल मार्क्ड। ग्रेट ड्राइनेस रन थ्रू द होल रेमेडी। ग्रेट पेन रेमेडी है बेलाडोना। इसके साथ हम इसके नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट जनरली स्लिपी फील करते हैं, बट जब वो सोने जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। इस तरीके का सिम्टम होता है बेलाडोना का। पेशेंट आर वेरी मच एंटरटेनिंग, वेल बिहेव्ड एंड सोशल वेन दे आर वेल, बट बिकम वॉयलेंट वेन दे फॉल सिक। इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली हम बेलाडोना को हेडेक के कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे वर्टिगो, कफ, फीवर, मेनिनजाइटिस, जीआईटी जैसे सिम्टम्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलरली। इसके जनरल मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो जनरल मोडालिटी में एग्रीवेशन विल बी फ्रॉम टच, मोशन, नॉइज, ड्रॉट ऑफ एयर। आफ्टर 3 PM से सारे एग्रीवेशन होने शुरू होते हैं। While drinking, uncovering, summer sun, lying down, ये सारे factors हैं aggravation के। इसके साथ amelioration की बात करें तो उन्हें better feel होता है rest करने से, standing और sitting erect in warm room। ये सारे drug pictures हमने बेलाडोना के देखे। main
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किया है बेलाडोना का। इसके साथ अगर आपने बाकी के भी होम्योपैथिक ड्रग्स नहीं देखे हैं तो मैंने सारे ड्रग्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, गो एंड सी दैट वीडियोस आल्सो। नए हैं चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब